एक्चुअली एक बाबा थे, अच्छा एक लड़का ही था जवान, वो अच्छा। कलकत्ता का रहने वाला था, अच्छा तो उसको एक स्वप्न हुआ और वो फिर वहाँ से चल दिया घर से अपने, अच्छा अच्छा तो आने के बाद वो यहाँ दुनागरी के पास 5 किलोमीटर दूर पर कुकुचना है जी जी, और कुकुचना से थोड़ा 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर एक गुफा है जी जी, तो उसने वहाँ पर लगभग 19 साल तक तपस्या की। अच्छा कलकत्ता का था, कलकत्ता पहाड़ी नहीं था, पहाड़ी नहीं था और अकेले रहता था। अच्छा उस 52 जंगल में जहाँ पर अकेले जाना दिन में दूभर होता था वो आदमी ऊपर तपस्या करता था। तो ये कहा जाता है कि वो शायद उसका लिंक यहाँ पर एक योगदा सोसाइटी है, अच्छा जो योगदा आश्रम भी है, योगदा आश्रम का। अच्छा अच्छा और बहुत से ज़्यादा उसके बारे में आप जानकारी जानना चाहेंगे तो सबसे बेस्ट प्लेस आपके लिए योगदा आश्रम है, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। तो ये भाई साहब कौन है, कहां मिले और इस स्टोरी में इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, चलो पहले बानी की बात सुनते हैं उसके बाद बताता हूं। बच्चे को हाथ लगा सकते हैं? मैं तो बहुत अच्छी है, ओह माय गॉड, पूरे पोज में तो यार मेरे बच्चा को यार ऐसे नहीं करता था ये। चल पूरी तैयारी कर रही है, उसका सीन खोल दे ना मैं मार ही देगी। तो थोड़ी देर गाय और काफ के साथ टाइम बताकर हम फिर योगदा आश्रम की तरफ चले। अभी 2 दिन पहले रानीखेत जाते हुए फॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात इन सज्जन से हुई और पूरे रास्ते इन्होंने हमें दोहराट में पांडू खोली और योगदा आश्रम से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी और रेकमेंड किया कि दोहराट में योगदा आश्रम जरूर विजिट करें। हमारे पास दोहराट में अभी भी 3 दिन और बाकी थे और कई बार यहाँ आकर और योगदा आश्रम के बारे में सुनकर भी हम अभी तक वहाँ गए नहीं थे, तो हमने इस बार मौके का फायदा उठाने का प्लान किया और योगदा आश्रम का डे ट्रिप बना लिया। आश्रम दोहराट मेन बाजार से करीब 2 किलोमीटर है और 100 रुपए में टैक्सी बुक करा के आप यहाँ 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। ये योगदा सत्संग सोसाइटी का आश्रम है विच वॉज फाउंडेड बाय श्री परमहंसा योगानंदा जी, जो अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और क्रिया योगा के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। आश्रम पहुंच के हमने वहां करीब 1 घंटा बिताया। कॉम्प्लेक्स में फोटोज और वीडियोस अलाउड नहीं है और अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमें वहां किसी से बात करने और यहां के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का मौका भी नहीं मिला। वेल मे बी नेक्स्ट टाइम। आकांक्षा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी में। सब यूकेजी में पढ़ते हो? यस, का यहां हूं योगदा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? हेलो करो, हेलो करोगे? हेलो। अरे ब्रेक हो रखा है आपका? खाना खा लिया? लंच बॉक्स खत्म कर लिया? हाँ। और घर का आपका? दूर है। हाँ दूर है।
आश्रम से वापसी में द्वाराट तक 2 किलोमीटर का रास्ता हमने पैदल ही जाने का मूड बनाया और आराम से घूमते घूमते नजारे एंजॉय करते हुए द्वाराट मार्केट पहुंचे। चने होंगे, हींग वाले चने। आपके यहाँ स्पेशली भेजा गया है दुकान में। हींग वाले चने ना? हाँ, हींग वाले। जबरदस्त चना है, बहुत बढ़िया। कितने का पैकेट है? 80 भाई, 80 रुपीज। 2 ले ले पानी। 2 एक काफी है। मेरे को तो 2 ठीक रहेंगे। बता नहीं रहा फिर क्या खाएगा? जा। मिलेगा नहीं फिर कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा फिर ठीक है? मोमो ही खा लूँगा। मोमो ही खा लेगा। मेहोल है वो, जिसे कहते हैं मिनी नाशपति। रुक जा, नीचे बिच्छू घास भी है। कितने खाएगा? अच्छी। ये ले, पकड़ हाथ में। कोई नहीं, हैंड वॉश कर लेंगे। एक गिर गया। शाबाश। क्या सारा है राम? दिखाएं के हाथ में दिखाएं। मोमोस निपटाकर हमने थोड़ा टाइम मार्केट में स्पेंड किया और फिर दोपहर बाद वापस घर पहुंच गए, क्योंकि आज शाम का प्लान था क्रिकेट मैच का, विच इज द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।